हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब एंड एक्सेल आइडियाज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। चलें गाइस, मैं आपको आज कंप्यूटर ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो ये देखें, हमारे पास कुछ ऑफिशियल डाटा है। हम किसी को ये दिखाना नहीं चाहते। अगर हमारे पास कोई आ जाता है जल्दी के साथ, तो हम इसको विंडोज़ प्लस डी की प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा डेस्कटॉप है वो हाइड हो जाएगा। ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, विंडोज़ प्लस डी और हमारा डेस्कटॉप हाइड हो जाएगा, ताकि अगर आपका इमरजेंसी अचानक कोई पीछे से आ जाए और आपको जल्दी के साथ डेस्कटॉप हाइड करना हो तो आप इस की के साथ कर सकते हैं, विंडोज़ प्लस डी। ये देखें, इसकी ये की है, मैंने लिख भी दी है, विंडोज़ प्लस डी। ये देखें किस तरीके से हम इसको डेस्कटॉप को हाइड करते हैं, वो हमारे यहाँ पे नीचे बार में आ जाएगा। इस बार में से हम इसको दोबारा अनहाइड कर सकते हैं। जबकि अगर हमारा वो पर्सन जो हमें पीछे से आया है वो हमारा यहाँ से उसको दोबारा मिनिमाइज टू मैक्सिमाइज करके देख सकते हैं, तो हम नया डेस्कटॉप यहाँ से कैसे जल्दी के साथ लगा सकते हैं। ये देखें, हमारे पास नया डेस्कटॉप आ चुका है। तो ये कैसे लगाएंगे, इसकी शॉर्टकट की मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसकी शॉर्टकट की यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस विंडोज़ की प्लस डी। इसके साथ हम नया डेस्कटॉप ओपन कर सकते हैं। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास नया डेस्कटॉप आ जाएगा, उसके ऊपर हमारी जो भी फाइल खुली होगी, ओपन होगी, वो उसको शो नहीं होगी, ठीक है। और बैक करने के लिए, दोबारा उसी डेस्कटॉप पर आने के लिए, जब पर्सन चला जाए तो विंडोज़ कंट्रोल प्लस विंडोज़ और एरो, जो हमारे पास कीज़ होती हैं चार, अप डाउन राइट और लेफ़्ट, लेफ़्ट की को प्रेस करेंगे तो हम दोबारा बैक उसी विंडो पर आ जाएंगे। ये देखें, कंट्रोल प्लस विंडो प्लस ये डी की जगह हम राइट एरो, लेफ़्ट एरो, सॉरी लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे तो हम अगेन उसी विंडो पर आ जाएंगे जहां पर हमारा डाटा था, जहां पे हमारी एक्सेल फाइल पड़ी हुई थी। ये देखें, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, दिखा भी देता हूँ आपको। तो इसको मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दूँ ताकि आपको कुछ अच्छे तरीके से नज़र आए। और अब हमारे पास ये डाटा ओपन है, हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये डेस्कटॉप हाइड हो जाएगा, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो शॉर्टकट की तरफ। गाइस, हमारे पास मोबाइल के अंदर एक क्लिपबोर्ड की नाम से एक आइड होता है ऑप्शन, जिसके अंदर हमारा कोई भी कॉपी किया हुआ डाटा इसके अंदर हमारे पास शो हो सकता है। तो ये किस तरीके से हम क्लिपबोर्ड ओपन कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं इसकी सेटिंग को, जैसे कि मैंने पहले ये टेक्स्ट कलर किया, कॉपी किया इसको, उसके बाद ये सी एच को कॉपी किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे सी एच को कॉपी कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं देखूँ कि मैंने फर्स्ट नंबर पे किसको कॉपी किया है। तो यहाँ पे ये देखें, हमारे पास क्लिपबोर्ड ओपन हो गया है, सईद, उसके बाद चौधरी, उसके बाद अली, हमने जिन जिसको कॉपी किया है, जिन जिन चीज़ों को कॉपी किया है वो हमारे पास यहाँ पे क्लिपबोर्ड के अंदर सेव हो चुकी हैं। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, विंडोज़ प्लस वी, ये इसकी शॉर्टकट की है। इसको जैसे प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप ऑन होगा, उसके अंदर हम क्लिपबोर्ड की सेटिंग को ऑन कर देंगे और उसके बाद हमारा क्लिपबोर्ड के अंदर हिस्ट्री ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस, इस तरीके से हम मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं और ये तरीका हमारे पास विंडोज़ के अंदर, एक्सेल के अंदर भी हमारे पास मौजूद है, यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट शॉर्टकट हमारे पास ये है कि जैसे कि हम मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि ओप्पो के अंदर थ्री फिंगर के साथ ले सकते हैं और बाकी जो एंड्रॉयड फ़ोन है उनके साथ वॉल्यूम डाउन और मेन बटन के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सिस्टम में हम किस तरह ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, तो हम विंडोज़ की प्लस शिफ्ट और प्लस एस को प्रेस करेंगे तो हम किसी भी एरिया में से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ विंडोज़ शिफ्ट और एस और ये हमारे पास आ गया स्क्रीनशॉट। यहाँ से हम जो भी लेना चाहें, मिसाल तौर के पे हम ये वाला करेक्ट नेम वाला लेना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे
और जस्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें इसने यहाँ के एरिया का स्क्रीनशॉट ले लिया। इसको हम यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, स्निप टू सेव क्लिप बोर्ड, इसको हम सेव भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास सेव भी हो चुका है। ये देखें इतना एरिया जहाँ से हमने इसको स्क्रीनशॉट लिया था। इसके अलावा प्रिंट स्क्रीन के ऑप्शन से भी हम किसी भी एरिया का, लेकिन उसमें हम पूरे पेज का प्रिंट ले सकते हैं, स्पेसिफिक एरिया का नहीं। तो इसके साथ हम स्पेसिफिक एरिया का प्रिंट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।